हेलो दोस्तों, हाँ माय ट्यूब चैनल बेबी ऑफिशियल 385 में आपका दिल से स्वागत है। तो आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ कि बहुत अच्छे होंगे और मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो प्लीज़ हमारे वीडियो के साथ कंटिन्यू बने रहे आप लोग। बहुत अच्छा स्पेशल चीज़ मैं आपको दिखाने वाली हूँ, जो कि प्लीज़ स्किप करके नहीं जाइएगा वीडियो को, और हमारे साथ कंटिन्यू बने रहे आप लोग। तो फिर मिलते हैं, जैसे जो भी आगे आगे करती हूँ आपसे मिलती हूँ, तो प्लीज़ कंटिन्यू। तो दोस्तों, हम अभी आ चुके हैं अपने किचन में और अभी हम फिलहाल खाना बना रहे हैं, जो कि ये देख सकते हैं हमारा चावल कैसे उबल रहा है। देखिए, ये देखिए, ये चावल हमारा उबल रहा है और फिलहाल हम दाल एक तरफ चढ़ाएंगे और पहले सबसे पहले हम कॉफ़ी बना के पी लेते हैं थोड़ी सी, क्योंकि दोस्तों तबीयत ठीक नहीं है कल से, तो इसीलिए थोड़ा हम कॉफ़ी बना लेते हैं। बाबू रे, कैंची एक बार ला दियो अंदर से थोड़ा। ये देखिए दोस्तों, थोड़ा सा तुम भी पियोगे क्या? दोस्तों हम कॉफी बना रहे हैं अभी, थोड़ा सा कॉफी पहले पी लेते हैं, उसके बाद और भी काम। ये लाया है भाई जी। क्योंकि दोस्तों ये जो पीने से है ना, बीपी कंट्रोल होती बहुत ज्यादा, और मेरी बीपी इतना ज्यादा हमेशा ही लो रहते हैं, तो मुझे ये पीना ही पड़ता है लगभग, तो इसलिए हम पीते हैं। और दोस्तों प्लीज आप लोग जो है ना, मतलब कि वीडियो पर से आज जाइएगा नहीं, अपना टाइम निकाल के रहिएगा। मैं आज कुछ स्पेशल दिखाऊंगी जो कि बहुत मजा आने वाला है आप लोगों को, और आप लोग आश्चर्य करेंगे जो वाओ कितना भी चीज मिलता है क्या सस्ता। ये देखिए दोस्तों, फिलहाल अभी मेरे हस्बैंड चले गए हैं ड्यूटी और वो अभी आएंगे फिर 10 बजे खाना खाने, तो इसीलिए हम खाना बना रहे हैं। और इधर हमारा इधर कॉफ़ी बन गया है दोस्तों, और आप सबसे पहले आप लोगों के लिए आइए और कॉफ़ी पीजिए सुबह के टाइम में आप लोग। और हम फिलहाल में क्या करते हैं, मुझे दाल चढ़ाना है, जो कि मैं फटाफट दाल चढ़ाती हूँ और वो स्पेशल चीज़ दिखाऊँगी आप लोगों को, तो प्लीज़ जाइएगा नहीं वीडियो छोड़ के। फिलहाल चावल बन रहा है, दाल को चढ़ा देती हैं, उसके बाद हम सब्जी की तैयारी करेंगे, बन जाएगा। और इधर हमारा कॉफ़ी तैयार है, तो आप लोग कंटिन्यू बने रहे। अरहर की दाल बनाने से पहले जो है ना, छिलके वाले जो दाल होते हैं ये वाले, तो पहले बनाने से पहले जो है हल्का सा तेल डाल के और उसको भून लेना है, भून के फिर पानी वगैरह डालेंगे तो उसके स्वाद बहुत अच्छे बनते हैं। तो फिलहाल हम इसमें तेल डालते हैं थोड़ा सा, हम इसको बाद में छौंक लगाएंगे, बस हम थोड़ा सा डाल दिए हैं इसको, और फिर हम दाल को इसी डाल देंगे, फिर उसको हम लाल करके भून देंगे बस। और इसको हम लेते हैं पलटा और इसको फटाफट से देखते भून जाएगा फटाफट से, उसका पानी और नमक हल्दी डाल के बंद कर देना है उसको। हमारा कॉफी है, जब तक हम पी लेते हैं। अब भुन गया दाल, हम इसको पानी डालते हैं इसमें। ये देखिए, हम इसको बंद कर देते हैं। अब दोस्तों फटाफट हम कर रहे हैं, इसलिए क्योंकि तबीयत और इसलिए खराब है, क्योंकि हम जो है ना कल घूमने गए थे वहाँ पे गाजियाबाद, जो है गाजियाबाद से भी आगे हापुड़ जहाँ पड़ता है ना, पिलखुआ हापुड़, वहाँ पे हम गए थे घूमने, और वहाँ पे गए थे तो बहुत थक गए थे, इतना ज़्यादा हमारे रास्ते में तबीयत खराब हो गया, मतलब बहुत ज़्यादा ही हो गया था, कैसे मैं आई कैसे बेहोश सा हो गया बिल्कुल। मेट्रो में हम चढ़े, मेट्रो में बार बार, मेट्रो जहाँ रुकती थी दो स्टेशन छोड़ छोड़ के मुझे बार बार उतरना पड़ रहा था, और मतलब मन घूम रहा था बहुत ज़्यादा। फिर हम रात हो गया, हम सुबह कल 6 बजे गए थे और रात को हम 7:30 बजे यहाँ पे आए हैं, पूरा सफ़र करते करते, और मैं इतनी थक चुकी थी, पैर में इतने दर्द, बीपी लो हो गया था मेरा, और तेल गाड़ी के तेल वो चढ़ गया था, तो इसलिए जो है ना मन इतना ज़्यादा घूम रहा था। फिर जल्दी आके फटाफट से हमने कुछ भी नहीं किए, सब्जी दिन का पड़ा हुआ था जो बना के हम सुबह गए थे, और आए तो फटाफट से 5-7 रोटी जो बनता है उसको बना दिए, और हमारे हस्बैंड जी खाना वो खा लिए, बस हम खाए नहीं थे। और मेरा छोटा लड़का वो भी गया था मेरे साथ, वो भी नहीं खाया था, इतनी थकान हो गई थी हम लोगों को। और अभी फिलहाल मैं नहाई भी नहीं हूँ, अभी उठी हूँ और ब्लॉग शूट कर रही हूँ, क्योंकि 2 दिन से मेरा ब्लॉग नहीं आ रहा था, तो बस यही सवार। अभी भी सुबह उठी हूँ सो के, तो
पेट में जैसे ऐसे बहुत सारा घूम रहा है नदी सा, ऐसा लग रहा है जैसे उल्टी हो गई उल्टी, इसलिए सबसे पहले हम कॉफी बना के पी लेते हैं। और हम वहाँ पे गए थे ना दोस्तों गाजियाबाद वगैरह, तो वहाँ से कुछ अच्छा चीज़ हम लाए हैं वहाँ से बहुत, जो कि इतने 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 सस्ता वहाँ पे मिलता है ना, मतलब क्या बताएं। जिस जगह पे हम गए थे वो वहाँ पे बहुत पहले हमने 5-7-8-10 साल पहले हमने वहाँ पे एक छोटा सा प्लॉट लिए थे 40 इंच का, तो उसको हम देखने गए थे। वहाँ पे एक चीज़ का कारखाना है जो कि मैं अभी वहाँ से क्या लाई हूँ दिखाऊंगी आप लोगों को। फिलहाल चलिए दाल में हम हल्दी नमक डाल के और इसको हम बंद करते हैं। और पैर में भी पूरी रात दर्द, पूरी रात ही पैर में दर्द इतना ज़्यादा। लंबा सफ़र करने की आदत नहीं और बस में मुझे जाने की आदत है नहीं बिल्कुल भी, बस की वजह से हम कहीं भी नहीं जा पाते हैं, कहीं भी नहीं, क्योंकि उल्टियाँ होती हैं फिर कंट्रोल नहीं कर पाते हैं। इसलिए कल तो हम गेट के पास ही जाके बैठ गए बिल्कुल चलते बस में, ऐसे ड्राइवर जो थे वो बोल रहे थे आपको उल्टी करना तो बता देना मैं बस को रोक दूंगा। फिर बिल्कुल जा सारे बस वाला मुझे ही देख रहे थे, मैं ऐसे बेहोश होके और गेट पकड़ के वहाँ पे खड़ी थी, खड़ा भी नहीं हुआ जा रहा था, बिल्कुल मैं गेट पे ही जाकर धाम से गिर गई। फिर ड्राइवर लेके और जो एसी होता है ना बिल्कुल एसी के सामने बैठाए थे वो। तो दोस्तों कॉफी पी रहे हैं, कॉफी पीने के चलते हैं हम दिखाने आपको जो चीज क्या है क्या है नहीं है। अभी हम कॉफी पी रहे थे बस, मैं ज्यादा नहीं छोटा सा ही ब्लॉग शूट करूंगी, जो 4-5 मिनट का ब्लॉग ही शूट करूंगी क्योंकि मेरे को मन ठीक नहीं है दोस्तों, तो इसलिए अजीब सा मन हो रहा है। हमको नहाना धोना भी है सब कुछ है और इस कमरे में आके मुझे बार बार बोलना पड़ता है, उधर आवाज जाती है ना तो चारों तरफ कोई सुन लेंगे, चोरी छिपे बनाती हूँ किसी को पता नहीं है, तो इसलिए बार बार यहीं पे मुझे बनाना पड़ता है। तो चलते हैं दोस्तों एक बार कॉफी पी के चलते हैं जो मैं क्या लाई हूँ एक बार, और इतने सस्ता इतने बढ़िया चीज सोच भी नहीं सकती, इतने सस्ता भी मिल सकता है वो। चलिए दोस्तों फिर हम अपने चलते हैं कमरे में, और ये आ गए हम अपने कमरे में, और ज़्यादा नहीं बोल पाऊँ जब आज जाते बेटा वो गेट बंद कर दे, लड़का बंद कर दे। और हमारा कुछ घर का देखे सीन कैसा बेकार सा हो रखा है, ये देखिए पूरे के पूरा फैला हुआ है सामान, सब बेकार हो रहा है। देखिए अभी हम करेंगे, पहले ऐसे छोड़ छाड़ के चले गए थे। और दोस्तों स्पेशल चीज ये रहा फ्रिज, देखिए और हम फ्रिज को खोलते हैं, आया खुल गया ये देखिए दोस्तों, ये हमारा फ्रिज खुल गया और हम स्पेशल चीज निकाल के लेके चलते हैं इसमें से। ये देखिए हमने निकाल लिए, यहाँ पर रख देते हैं इसको और इस दूसरा को भी निकालते हैं दोस्तों, और फ्रिज को हम करते हैं बंद। ये देखिए हमारा फ्रिज बंद हो गया दोस्तों, और ये रही स्पेशल चीज, और चलिए हम इसको लेके चलते हैं किचन में। ये दोस्तों हम आ गए अपने किचन में और हम स्पेशल चीज दिखा रहे हैं आपको क्या है। दोस्तों हम किचन से इधर आ गए हैं, उधर आवाज बहुत ज्यादा इधर उधर जा रही थी तो मुझे बोलने में नहीं बन रहा था इसीलिए। तो देखिए दोस्तों हम उघाड़ के एक बार दिखाते हैं इसको। दोस्तों हम दो कटोरी में क्या क्या लाए हैं, ये देखिए दोस्तों, ये देखिए रसगुल्ला, इसलिए देखिए रसगुल्ला। ये पता है दोस्तों आप विश्वास नहीं कर सकते हैं इस रसगुल्ले का रेट जान के, मतलब की। और इसको देखिए ये सफेद वाला रसगुल्ला है, देखिए हम लोग इतना दूर गए और बर्तन वगैरह था नहीं, हम ले नहीं पाए वहां से। पता है दोस्तों हम जहाँ पे वहाँ हापुड़ में जो पड़ता है ना वहाँ पे हमारे प्लॉट के ठीक थोड़ा दूरी पे ही इस रसगुल्ले का कारखाना है वहाँ पे बहुत ही। और पता है दोस्तों ये रसगुल्ला कैसे किलो दिया, 120 रुपए किलो, क्योंकि वो कारखाना है तो वहीं से सप्लाई होता है दुकान वगैरह में। और ये सफेद वाले जो रसगुल्ले हैं ये 100 रुपए किलो हमें पड़ा है, ये 100 रुपए किलो। तो दोस्तों हम वहां से लाते कैसे, सुबह से शाम इतने घंटा, हमारे घर से वहां तक पहुंचने में लगभग मुझे 4 घंटा लगा है, और मुझे बहुत कुछ काम था, कहाँ कहाँ जाना था, कुछ कोर्ट वगैरह का काम था वहां पे हम गए थे, तो बहुत मुश्किलें हो रही थी हमें ये सब लाने में। तो हमने फिर भी हमने दो जने थे तो 3 किलो करवाए हमने, 1.5 किलो मैंने ली, 1.5 किलो उन्होंने लिए, तो हमने ये 1 किलो ये आधी किलो ये करवाए। और क्या बताए दोस्तों इतनी खुशी मुझे मिली ना ये रसगुल्ले देख के, 100 रुपए किलो, विश्वास नहीं हो रहा था। हम लोग दिल्ली इधर बुराड़ी में जो हम रहते हैं यहाँ पे 250 रुपए किलो है, 300 रुपए किलो। मैं इतनी खुश हो गई ना, इतनी ज्यादा खुश। वहां पे हम बैठे थे और वहाँ के कुछ डीलर वगैरह थे, सब थे, हम लोग मिले वहाँ के रेट जानकारी कर रहे थे, और उन्होंने बताया ना यहाँ 120 रुपये 100 रुपये किलो रसगुल्ला है। वाह नाइस, मैं तो बहुत खुश हो गई। बस इतना दूर अगर नहीं होता और मुझे जल्दी से आना होता, काम नहीं होता तो ज्यादा से लेके आते, पर फिर भी हमने 1.5 किलो करवा लिए थे तो हम लेके आ गए हैं। और दोस्तों इसको इस कमरे से बाहर कर देते हैं,
देखिए आप लोग रसगुल्ला, तो हम लोग तो सोचे हैं जो कभी पार्टी फंक्शन करेंगे ना यहाँ पे, तो ज्यादा नहीं 300 रुपए किराया आने जाने का लग जाएगा एक जने का खाते पे, तो ठीक है। और वहाँ से जाके 100-100 रुपए किलो है रसगुल्ला, जाके डब्बे में भरवा के फटाफट से ले आएंगे, वहाँ से कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि बहुत ज्यादा सस्ते रहते। हम गए ना जब अंदर उसके ग्राउंड, वहाँ पे जो कारखाना उसके अंदर हम बिल्कुल चले गए थे वहाँ पे, और क्या बताए दोस्तों, इतने लंबे 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 नाद नहीं होता रसगुल्ले का, उसमें बना के भर भर के रख रखे थे। और वहाँ से जो है ना कंपनी, उसमें जाके सप्लाई होता है, बड़े बड़े होटलों में जहाँ जहाँ जाना होता है वहाँ से सप्लाई होता है। तो वो चीज़ झापुर में ही पड़ता है, वो हमारे जो प्लॉट है ना वहाँ पे, उसके ठीक थोड़ी दूरी पे ही है वहाँ पे। तो एक दो ऐसे कारखाने खुले हुए हैं जो कि सामान वहाँ पे मिलता है। चलिए दोस्तों, इस रसगुल्ले को हम पहले सबसे पहले रखाते हैं, क्योंकि कोई आ जाएगा तो इसलिए चोरी छिपी ब्लॉग बनाते हैं तो प्रॉब्लम होती है इसलिए। तो दोस्तों हम वीडियो को करते हैं यहीं पे एंड, उम्मीद करता हूँ कि ये ब्लॉग आपको अच्छी लगेगी सुबह वाली हमारी। तो प्लीज हमारे हमें सपोर्ट करिएगा, मेरी वीडियो को पूरा वॉच करिएगा आप लोग, और जितना हो सके उतना हमें सपोर्ट करते रहिए। दो दिन से मेरा ब्लॉग भी नहीं आ रहा है, तो फिर दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। मुझे बहुत सारा काम है, नवरात्रि का दूसरा दिन है, तुम जा रहे हैं काम वगैरह करने, तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय, लव यू हमारी यूट्यूब फैमिली, आप लोग खुश रहे और सबको खुशियाँ देते रहे।